चलिए तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास टेंथ का क्वाड्रिलेटरल जो क्लास टेंथ का जो कोऑर्डिनेट चैप्टर है उसमें आपका एक ही पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तीन वर्टिसेस दिया होता है तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बहुत प्यारा सा फार्मूला मालूम है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 (y3 - y1) प्लस x3 (y1 - y2)। लेकिन वो फार्मूला केवल ट्रायंगल के लिए वैलिड है और साथ ही साथ वो फार्मूला यूज करते समय गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, उससे एक ही ट्रायंगल का फार्मूला आप एरिया निकाल सकते हो। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, सोचिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। उसमें क्या करते थे आप कि इसको दो पार्ट में बांटते थे, कहते थे कि ये वर्टिसेज यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे और ये तीनों वर्टिसेज यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर आप ये बोलते थे कि अगर पेंटागन हो गया 1, 2, 3, 4, 5 गो, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। मतलब कि आप उसे ट्रायंगल्स में बांट के एरिया निकाल रहे थे, तो आपको तीन बार फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार। अगर हेक्सागन हो गया तो कम से कम 4 बार यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई भी फिगर हो, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी फिगर हो, भले एन साइडेड पॉलीगन हो, एन गो साइड हो, उसका भी एरिया हम लोग सीख सकते हैं मात्र एक फार्मूला से। और ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को भी बना देगा। और कैसे होता है, क्या होता है, उस चीज़ को जानेंगे, बहुत आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स आपका, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम आपको बता देते हैं कि हमारे YouTube चैनल बाबा मैथ्स वाले पे आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक NCERT प्लस RS अग्रवाल दोनों का सीरियल वाइज वीडियोस फुल प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएगा। उसके लिए आप क्या कर जाओ, आप चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका दोनों का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर जो बच्चे IITs वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है, इनक्वालिटीज़ मॉडुलस लोगारिथमिक बेसिक्स जो है वो तैयार हो चुके हैं, और भी धीरे धीरे हम उस पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जुड़ जाएंगे हमसे तो आपके साथ काम करने में मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछिएगा उस लेवल का वो बताएंगे हम, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप ये सारे फार्मूलाज को देख सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो पहला फार्मूला आप पढ़े हुए हैं उसको सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जिससे आप किसी भी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए, हम लोग प्रूफ जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अभी हम लोग सीखेंगे वो सारा फार्मूलाज पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन के लिए कोई भी हो उसका यूज करने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा चीज़ का प्रूफ भी देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो याद कीजिए कि सबसे पहले फार्मूला आप क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसको भी याद रखने का एक तरीका है मेरे पास। आप लोग भूल जाते हो x1 y2 - y3 वाला, उसका याद करने का ये तरीका है कि एक साइकिल याद रखिए, ये 1 रखिए याद, ये दिमाग में 2 रखिए, और ये आप 3 रखिए, है ना। ऐसे घूमना है आपको। तो आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ x लगाइए, तो x लगाओगे तो x1 बनेगा, और यहाँ x लगाए तो अगला पे y लगा दो, तो y2 और y3 दिख रहा है तुम्हें, y2 और y3 दिख रहा है, बोलो, y2 - y3 हो गया। फिर प्लस लिख दो, फिर a को शिफ्ट कर दो, x को एक इधर, y को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ x आ जाएगा और ये y यहाँ आ जाएगा और ये वाला y यहाँ आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो अब यहां हो गया तुम्हारा x2, यहां क्या हो गया x2, तो प्लस में आपका x2 और x2 यहां हो गया, तो अब यहां y चिपका हुआ है, तो y3 - y1 घूमना आपको ऐसे ही है, याद रहे, जंप करके नहीं जाना है, पहले आप लगातार जाओगे, जैसे 2 लिख दिए तो 2 के बाद 3, 1 लिखोगे, तो y3 - y1, और फिर प्लस में क्या बचा है, एक शिफ्ट और करो, x को इधर फेंक दो और y दोनों आगे शिफ्ट कर दो,
तो अब यहाँ x आ जाएगा और यहाँ y बढ़ जाएगा और यहाँ भी y आ जाएगा, तो अब जरा बताओ क्या आ जाएगा, x3 इंटू y1 माइनस y2। और इसमें आप लगाते हो मॉड, मॉड क्यों लगाते हो, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं आती है। इसमें जानते हो एक और कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको कि आखिर एरिया जब निगेटिव होती नहीं है तो आती क्यों है, क्वेश्चन है कि नहीं, आपका कैलकुलेशन निगेटिव क्यों आ जाता है, इसका भी रीजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसका भी रीजन देंगे आपको, हर चीज़ का रीजन वो उसमें दे देंगे। इसमें अभी देखते हैं कि फार्मूला कैसे वर्क करता है। आप ये फार्मूला के जगह पे जो हम बता रहे हैं वो फार्मूला यूज करिएगा, ये फार्मूला भूलने का भी संभावना है। ये एरिया का फार्मूला याद रखिएगा, ये किसी के लिए भी वैलिड है। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, 1/2 लगा दीजिए, मॉड तो आपका रहेगा ही। उसके बाद क्या करिए, डिटर्मिनेंट खींचिए, ऐसे दो लाइन खींच दीजिए और इस दो लाइन के बीच में ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, याद रहे ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। आप पहला एंट्री लिखिए, पहला एंट्री एक्स वन वाई वन, ऐसे एक्स वन वाई वन। फिर अगला आपका क्या है, एक्स टू वाई टू है ना, तो अगला जो जगह है वहाँ पे लिख दीजिए आप एक्स टू वाई टू। याद है हम लोग ये पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़ रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट से वैल्यूज निकालने उस समय ये चीज़ पढ़े थे, वैसे हम यहाँ भी एलिब्रेट कर देंगे। फिर प्लस, अगर एक्स टू वाई टू लिखे हैं तो शुरुआत आपका एक्स टू वाई टू से ही होगा। अब एक्स टू वाई टू के बाद अगला क्या है आपका, एक्स टू वाई टू के बाद ये आपका एक्स थ्री वाई थ्री है, एक्स थ्री वाई थ्री। एक्स टू वाई टू के बाद आपका क्या आएगा, एक्स थ्री वाई थ्री। फिर प्लस, फिर एक डिटर्मिनेंट और बनाइए, और फिर कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से अंत हुआ है, एक्स थ्री वाई थ्री से अंत होगा। और फिर आप कहाँ बंद होगा, घूमिए, घूम रहे थे ना आप, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो अब यहाँ पे आ गए ना आप एक्स वन वाई वन पे। क्या ये बात समझ में आया, पहला कोऑर्डिनेट आपको लिख देना है एक्स वन वाई वन, फिर पहला कोऑर्डिनेट लिखने के बाद अगला कोऑर्डिनेट लिख देना है, फिर अगला ब्रेक, अगला वाला जो चीज़ होगा उसमें जहाँ से ये अंत किए हैं एक्स टू वाई टू से वो लिख दीजिएगा, फिर अगला एक्स थ्री वाई थ्री, फिर एक्स थ्री वाई थ्री से अंत किए हैं, शुरू भी एक्स थ्री वाई थ्री से होगा। और ये याद रखिएगा कि अंत वाला और शुरू वाला मैच करता है, बात समझ गए। अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं कि अब हम ये बोल रहे थे कि ये तो ट्रायंगल के लिए हो गया ना, अगर क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा तो क्या होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल वाला के लिए भी बताएंगे। वैसे बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल वाले के लिए क्या करने वाले हैं। अब बताओ एक्स थ्री वाई थ्री के बाद तुम्हें एक और ना मिल जाएगा अब अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो, बोलो। बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया, एक्स फोर वाई फोर। अब अगर जैसे ही एक्स थ्री वाई थ्री पे ख़त्म होने वाले थे, हमें नज़र आया कि अभी एक और है, तो तुरंत यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स फोर वाई फोर। और फिर एक्स फोर वाई फोर से स्टार्ट होगा अगला ब्रेकेट, मतलब प्लस में फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे यहाँ एक्स फोर वाई फोर, फिर आपका एक्स फोर वाई फोर से स्टार्ट होगा। और एक्स फोर वाई फोर से स्टार्ट होगा तो फिर देखेंगे कि अगला हमको बंद करना ही है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ही है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स वन वाई वन, अब बंद कर देंगे। शुरुआत जहां से होती है अंत वहीं पे करना है, पहला ब्रैकेट जहां से अंत होगा अगला ब्रैकेट वहीं से शुरू होगा, याद हो गया कि नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास पेंटागोन होता, क्वाड्रिलेटरल के जगह पे पेंटागोन होता, पांच गो वर्टिसेस होता, तो यहाँ पे अभी बंद नहीं होता, ये पूरा लिखते लगातार एकदम एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एक्स फोर वाई फोर, एक्स फाइव वाई फाइव, और फिर एक्स फाइव वाई फाइव, एक्स वन वाई वन, माने अंत आपको शुरू से ही करना है। तो क्या आप एन साइडेड पॉलीगन के लिए फार्मूला याद कर लिए,
याद, हाँ बस पैटर्न वही है आपका। हाँ अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों के सामने कि ये फार्मूला तो लिख दिए लेकिन इसको एलोबरेट कैसे करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सीख लेते हैं। ट्रेंगल का लिए भी सीख लेंगे तो भी क्वाड्रिलेटरल वाला भी सीख लेंगे, है ना, क्योंकि इसको ऑपरेट करने आ जाएगा, इसको ऑपरेट करने आ जाएगा तब ना काम होगा। फार्मूला तो हम समझ गए, कोई दिक्कत है? चलिए तो एक काम करते हैं, ट्रेंगल के लिए क्वेश्चन बनाते हैं फिर देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए 5, 2, 4, 7 और 7-4। पॉइंट मिला लीजिए 5, 2, 4, 7 एंड 7, -4। चलिए तो अब फार्मूलाज आपके सामने हैं, पहला वाला तभी तो आंसर मैच करा पाएंगे ना दूसरे वाले फार्मूला से। तो 1/2 और मॉड के अंदर ये x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 है ना, और 5 और फिर क्या होगा ज़रा बताइए आप, ब्रैकेट में y2-y3। तो देखो y2 और y3 पहचानना पड़ेगा, ये y2 है तुम्हारा 7 और माइनस y3, तो y3 का मतलब वहाँ है, तो एक और माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और फिर x2 का नाम आपका हो गया 4 और फिर ब्रैकेट में आपका y3-y1, तो y3 तुम्हारा -4 है और -y1 का मतलब 2 है। गलती लिखेंगे बता देना, प्लस x3 का वैल्यू है 7, y1 तुम्हारा यहाँ मिलेगा 2 और -y2 आपका ये 7 और ये बंद हो जाएगा मॉड के अंदर। अब बताइए 1/2 हो गया, ये कितना होगा, 7 और 4 11, 11 5 55। फिर आपका ये हो गया 4 और 2 6 -6 और -6 और 4 24 -6 24। फिर यहाँ बताओ माइनस का 5 आएगा और 7 में गुना होगा तो 7 5 35 माइनस में, तो तो इसका एरिया कितना आएगा बता दो आप। मॉड के अंदर -4 आएगा तो वो प्लस बना लेगा क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 2। ये बात समझ में आई? तो इस मेथड से आपका आंसर आया 2, आप ये बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरे फार्मूला से निकाल रहे हैं हम, तो पहले फार्मूला बताइए, फार्मूला भी बहुत आसान है लिखना, x1 y1 फिर x2 y2 फिर प्लस जहाँ से एंड हुआ है वहीं से शुरुआत, x2 y2 फिर x3 y3 फिर जहाँ से अंत हुआ है वहीं से शुरुआत x3 y3 और फिर शुरुआत वाला ही लिखेंगे x1 y1। बात समझ में आई? अब फार्मूला भी लिखते समय देखो उसमें क्या था कि हमको x1 और y2 y3 को ढूंढना था, अगर एक गड़बड़ हो गया तो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। इसमें बहुत मज़े वाली चीज़ ये है कि डायरेक्ट 5, 2 को पकड़ना है और लिख देना है। बात समझ में आ रही है बात? अगला 4, 7 पकड़ना है, लिख देना है, फिर प्लस अगला जब 4, 7 लिखे हो तो यहीं से स्टार्ट करोगे 4, 7 से। अब 4, 7 के बाद अब अगला लिखोगे 7-4, फिर शुरुआत आपका 7-4 से ही होगा। समझ में आ रही है बात? और बंद हो जाएगा 5, 2 से शुरू वाला से, तो फार्मूला भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब एक बात आप याद रखिएगा कि इस डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करने का तरीका होता है, अगर यहाँ आपका ए बी है और यहाँ एल एम है तो इसको जब हम लोग मतलब सिंप्लीफाई करते हैं तो ए का गुना एम में होता है पहले ऐसे और फिर माइनस बी का गुना एल में होता है, याद रहेगा? ए का गुना एम में माइनस बी का गुना एल में, याद रहेगा ये बात? अब इसको अप्रोच कर, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 7 × 5 हो जाएगा, 5 × 7 माइनस 4 × 8, फटाफट करने लगोगे कब, एक आध को क्वेश्चन कर लोगे तब, तो चलो यहाँ 4 × 2 ही लिख दो, फिर बीच में प्लस है 4 × -4 फिर माइनस 7 × 7 फिर बीच में है प्लस फिर 7 × 2 फिर माइनस 5 × -4
माइनस पाँच का लिए माइनस फार्मूला वाला, फिर पाँच गुने माइनस चार। चलिए तो ये वन बाई टू हो गया, और ब्रैकेट में क्या आएगा, सात पचे पैंतीस माइनस चार दुना के आठ माइनस चार चौके सोलह, फिर माइनस सात सते उनचास, और ये प्लस सात दुना के चौदह, और फिर माइनस माइनस प्लस और पंचों के बीस। समझ में आया बात? जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। आंसर हमारा दो है, याद रखिएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि ये 14 और 16 का कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना तुरंत। 14 और 16 का कैलकुलेशन कितना आएगा? या एक काम कर लीजिए ना आप, प्लस वाले को सब जोड़ दीजिए, तो 35 और 14 कितना हो जाएगा? 35 और 4 39 और 10 49, 49 और 20 कितना हो जाएगा? 49 20 79 होगा ना जी। और एक काम करते हैं ना यार, 49 और माइनस 49 तो कट जाएगा ना जी। सुनो यार, देखो ये 35 और 14 मिलके 49 होगा, और ये 49 ये माइनस 49 से कट जाएगा। बात समझ में आया? और देखो यहाँ से 20 गो, और ये देखो 16 और 8 कितना आया? 24। 16 और 8 कितना आया? हाँ माइनस 24। तो माइनस 24 और प्लस 20 कितना आया? आया था वही बात, याद है कुछ? आ गया ना आंसर? तो हाँ बोलिए। हाँ मॉड आपको शुरू में देना था, ये देखिए ये मॉड लगाए हुए हैं। ये मॉड नहीं है, दिस इज डिटर्मिनेंट, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। वही डिटर्मिनेंट का ये नियम है, ए इंटू बी और माइनस बी इंटू एल। बात समझ में आई? डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करने का यही तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लिखो, जो रिजल्ट आएगा माइनस में तो माइनस में, प्लस में तो प्लस में। हाँ फाइनली हम एरिया जानते हैं कि निगेटिव नहीं आता है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें मॉड लगाएंगे। आप कहोगे कि सर दोनों का तो साइन सेम ही है, कैसे समझे कि वो मॉड है कि डिटर्मिनेंट है? तो भाई समझना पड़ेगा आपको कि आप क्या किए हो, समझ रहे हो बात को ना? तो ये थ्योरी था उसके पीछे। जी बोलिएगा। देखो अगर आप कह के यूज कर रहे हो कि मॉड है, तो मॉड का मतलब देखो, कह के अगर देखो मॉड के अंदर ना कोई सिंगल क्वांटिटी होती है, कोई सिंगल क्वांटिटी, उस समय आप ऐसे नहीं लिखोगे 2, 4, 7, 8 नहीं लिखोगे। मॉड के अंदर आप या तो 10 लिखोगे या मॉड के अंदर माइनस 10 लिखोगे, सिंगल एलिमेंट रहेगा। यहाँ जो लिखा गया है वो कुछ इस तरह से लिखा गया, बात समझ रहे हो? तो अगर इस तरह से है तो ये डिटर्मिनेंट समझोगे, और डिटर्मिनेंट को ऑपरेट कैसे करते हैं, 8 दुना के 16 और माइनस 7 चौके 28। अब अगर ये रिजल्ट आ गया आपको कितना, 8 में से 6 गया कितना, 2 और माइनस 12 आया, तो आप माइनस 12 ही लिखोगे। लेकिन अगर ये 10 का मॉड है तो भी 10 ही आंसर आएगा, और माइनस 10 का मॉड है तो भी आंसर 10 ही आएगा। मॉडुलस का मतलब सिंपल है कि अंदर आप निगेटिव डालोगे भी तो वो उसे 12 पॉजिटिव कर देगा। बस समझ रहे हो बात को? मॉडुलस बहुत हाई लेवल, देखो मॉडुलस जो आप जाओगे क्लास टेंथ में तो हाई लेवल का होता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप जाके लिंक भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें वहाँ पे जाके देख लो। समझ में आ गई बात ना पूरी तरह से? एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल का। फिर आप सारे क्वेश्चन आप क्वाड्रिलेटरल पेंटागोन कुछ भी हो इसी तरह से अप्रोच करके बना लेंगे। बोलिए सर जी, आप कहीं भी बनाइए, कोई भी बोर्ड में बनाइए, आंसर नहीं काटा जाएगा आपका। प्रशांत सर, अरे प्रशांत सर को छोड़ो ना यार, प्रशांत सर कहाँ पढ़ा है हमको नहीं मालूम है। अरे जहाँ नहीं पढ़ा है वहाँ हम पढ़ाए हैं भाई, उतना टेंशन ना लो, हम कह रहे हैं ना। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा थोड़ी बोला है कि नहीं इसी मेथड से आपको बनाना है। अभी पढ़ोगे धीरे धीरे समझ जाओगे, है ना। अपनी पढ़ाई हम खुद से क्यों करें। चलो ठीक है, थैंक यू।